इमराक। मेन चीज तमन्ना, मुझे ये बताओ कि वो प्रेजेंटेशन कैसी हुई आपकी? जैसे मैंने कर दी। सोच रही थी कितने दिनों से कि मैं कुछ करूं, अच्छा करूं, मम्मा के साथ प्रेम करूं, तो एक अच्छे से जब भी भूख लगती है ना, या तो ये मेरे पीछे घूमता रहता है। यहाँ पे लगी हुई है डोनट्स बनाने में, एक इसने गिलास लिया हुआ है तकरीबन 2 चम्मच। यहाँ पर ले लिया मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था, ये जो हमने 14 अगस्त पे बनाया था ना। तो यहाँ पे जो है ना दोनों आपियों के नोट्स फैले हुए और मम्मा सारे जो है ना एक फाइल में ना, ये जैसे ये है एक मोना आपी की फाइल, उन्हें भी सारे अपने पेपर निकाल लिए हैं। ये है तमन्ना आपी की फाइल, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, तो ना उन्हें सारे अपने पेपर निकाल दिया। मम्मा कह रही है मैं दोबारा सुबह करूंगी। आज है मेरे ट्यूशन का फर्स्ट डे और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं नया ट्यूशन में जा रही हूँ। मैंने बहुत ज्यादा और मेरा टाइम है 5 बजे के बाद, यानी मैं 5 बजे के बाद जाऊंगी और यानी मैं तो फिर मस्ती करूंगी 4 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यानी मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा मस्ती करने के लिए, मलाक के साथ खेलने के लिए, मोबाइल यानी मोबाइल में कार्टून देखने के लिए बहुत सारा टाइम है। 5 बजे के बाद मैं जाऊंगी। आपका नाश्ता बन के रेडी हो गया, एग और रात वाली रोटी, जो कि दोनों आपके फेवरेट है। हैंड वॉश किया आपने? हाँ, यू हैंड वॉश नहीं किया आपने? तो जाओ करके वैसे खाने से पहले। हानिया को दे दिया मैंने नाश्ता और मलाक यहाँ पर अपने रोजमर्रा के काम में बिजी है। क्या कर रही हो आप मलाक को? बिजी हो आप अपने कामों में? मलाक इधर तो देखो, क्या कर रही हो आप? ये बच्चा क्या कर रहा है मम्मा का? कोई लिफ्ट ही नहीं है। मलाक कुकू को देख के यहाँ से इतनी खुश हो रही है, बातें कर रही है उसके साथ। कुकू ये बुला रहा है आपको, कहते मलाक आ जाओ मेरे पास, वो देखो बुला रहा है, देखा है? सिर्फ अपनी चाय का कप लेकर आ रही हूँ, बस 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। मेरी दादी की दादी है, तुमने क्या कर दिया? पूरा कमरा फैला दिया, अभी मम्मा साफ कर गई थी। हटो आगे से, मैं अपनी चाय बना के आ गई। हानिया हट जाओ। चाय कौन पीता है? चाय नहीं पी रही, रोटी खा रही हूँ। हानिया मलाक गिर जाएगी, प्लीज उसे पीछे करो, पीछे करो उसे। नहीं उठाओ, बिठा दो, बेड पे बिठा दो। चक्की क्या होती है? आवाज सुनो मलाक। ये ना ट्राई करते कि मैं कुकू की तरह आवाज निकालूं। नीचे करो शर्ट उसकी, क्यों ऊपर कर रही हो आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बनाकर लेकर आई। ये हानिया ने जो रोटी बचाई थी ना, तो ये रोटी मुझे बहुत पसंद है, बाकी घर में जो है ना सबको बहुत पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये रोटी बची थी तो सोचा मैं जाके अपने लिए चाय बना के लेकर आती हूँ और ये रोटी खाती हूँ। वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो अभी जो है ना ये मेरा नाश्ता भी हो गया। और यहाँ पे ये दोनों बैठ के बस कुकू से बातें किए जा रही है। मलाक तो ट्राई करती है कि बिल्कुल कुकू की तरह आवाज निकाले। आ गए आपके बहन भाई, आ गए? आ गए सब। आज मलाक मिस कर रही है आप सबको। पेपर कैसा हुआ? कैसा हुआ पेपर? सही बताओ कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ है। मोना का? मोना कहाँ है? वो नीचे चली गई होगी ना, नीचे चली गई होगी सोने के लिए ना। जैसे वो आती है बस नीचे सोती है, पहले रेस्ट करती है, फिर उसके बाद उसने ऊपर आना होता है। इन चीज तमन्ना, मुझे ये बताओ कि वो प्रेजेंटेशन कैसी हुई आपकी? जैसे ही मैंने कर दी। नहीं, अच्छी हुई है कि नहीं हुई? अच्छी हुई थी। अच्छी हुई थी। और मोना की नींद आ रही है क्योंकि ये मॉर्निंग में जाते हैं ना आप लोग, सही है, जाओ फ्रेश होके रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। सोना नहीं है? क्यों? कल गैप है, कल हमारा पेपर नहीं है। उसके बाद कौन सा है? सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडी का आसान होता है ना, सोशल का भी है ना? इतना मुश्किल होता है, आसान होता है? पता है मुझे ना सोशल आसान लगती थी, मुझे इस्लामियत आसान लगती थी। आदम कब पैदा हुए थे, ब्रिटिश काउंसिल, ये सारा उसका हुआ था, वो सारा कुछ लिखना पड़ता वो है। लेकिन पता है मुझे हिस्ट्री की चीजें इतनी तमन्ना पसंद थी, मैं इतने शौक से पढ़ती थी ना, पसंद है कि मुझे वो याद हो जाती थी, मेरे दिमाग में रह जाती थी। लेकिन लेंथी बहुत है, लेंथी वो क्या होता है वैसे? मुझे भी ये वर्ड समझ नहीं। वो जैसे होता है कि बहुत ज्यादा है, लिखने में बहुत ज्यादा। अच्छा, लिखने में बहुत ज्यादा, पढ़ने में आसान है, लिखने में बहुत ज्यादा। लॉन्ग भी बोल सकते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है मुस्तफा का। चलो सही, अब जाओ जाओ। खाया क्या खाया आपने? पिज्जा खाया। पिज्जा खाया आज? हमने मंगवाया था, मैंने, मुस्तफा और मोना। मैंने बगैर आनिया के बगैर पिज्जा खा लिया आप लोगों ने? हम तो इसको नहीं कहते कि साथ नहीं चलो, खुद ही नहीं जाती। अच्छा, पता है आज क्या हुआ इसके साथ? अभी कब से बेचारी है नहा के बैठी हुई है कि पापा आएंगे मुझे छोड़ेंगे, और ये टाइम हो गया अभी तक आपके पापा नहीं आए। अभी इससे आप लोगों से अलग हो के ये भी है कि इस बेचारी के लिए भी मुश्किल हो रही है। अब
मारेगी ना, इतना मारेगी कि नहीं मारेगी। बहुत अच्छी टीचर, मैं बात करके आई हूँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, पता छोड़ो है मुझे। सारी बातें करने के बाद अब इसको मोटू की याद आई है। अब इसने ना इसका नाम चेंज कर दिया, मोटू मोटू बुलाते हैं। मैं रोज से कहती हूँ कि प्लीज मेरी बच्ची को मोटू मत बुलाया करो। मोटी नहीं है, मैं वैसे तो मोटू बुलाती हूँ। नजर लगाओगी तो मेरी बच्ची को, बस और कुछ नहीं। माशाल्लाह इतनी मोटी है ये, माशाल्लाह। बात देखने के लिए कैसे बोल सकती हूँ। मम्मा आप इस काम को छोड़े, मैं आपका काम करती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, मम्मा क्या करेगी अगर आप जाके रात का खाना बनाएं। रात के खाने में अभी देर। मम्मा मेरी कितनी प्यारी ड्रेस आपने वो की है ना, कितनी प्यारी लग रही है। मलाक की है ये, मेरी मलाकों के कपड़े नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। वो वाले मलाक है, वो जो वो वाले है ना, वो वाले मलाक है। अभी आप सब देख सकते हैं कि जो बिग प्रिंसेस है ना, उसको ये वाला अपना ड्रेस पसंद आता है। सोच रही थी कितने दिनों से कि मैं कुछ करूं, अच्छा करूं, मम्मा के साथ प्रैंक करूं, तो एक ये बेबी वाला प्रैंक हो गया। एक प्रैंक मैं ऐसा करूंगी मम्मा के साथ, मम्मा खुद डर जाए, भूतिया प्रैंक एक दफा करूंगी चुड़ैल वाला। ये देखो गाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं भी कल ऐसी चुड़ैल बनूंगी, ऐसे व्हाइट मुंह बना के ना। इस टाइम ना मेरे कुकू को बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है, मैं काम में मसरूफ हूं, ये कब से मेरे पीछे ना घूम रहा था। मुझे पता चल गया कि मेरे कुकू को भूख लगी हुई है ना, कुकू भूख लगी हुई थी मेरे कुकू को। अच्छे से जब भी भूख लगती है ना, या तो ये मेरे पीछे घूमता रहता है या फिर मोना के पीछे घूमता रहता है, क्योंकि या तो मोना ने इसे खाना डालना होता है या फिर मैंने डालना होता है। आज आपके खाने में मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने नीम गरम पानी में ना हल्का सा नमक डाल के गोभी के ये तीन जो फूल है इनको इसमें भिगो के रख दिया था। जब हम नॉर्मली वॉश करते हैं ना, तो इसमें जो कचरा वगैरह होता है और यहाँ पर हल्के हल्के धब्बे भी अक्सर आप सबको दिखाई देते हैं, तो वो नीम गरम पानी और नमक से बिल्कुल साफ सुथरी एकदम हो जाती है तकरीबन 10 से 15 मिनट रखने के बाद। देखिए अभी जो है ना 10 मिनट से तकरीबन हो ही चुके हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे घर के काम भी कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह साफ सुथरी हो गई है, ये देखिए हल्के हल्के हैं लेकिन पहले के जैसे नहीं है, जैसे पहले लग रहे थे ऐसे। तमन्ना यहाँ पे लगी हुई है डोनट्स बनाने में। एक इसने गिलास लिया हुआ है और एक लिया हुआ है इसने ढक्कन। इस ढक्कन और गिलास की मदद से ये डोनट्स बन रहे हैं इसके। शेप वाला था लेकिन वो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो जैसे कैसे आपने जुगाड़ लगाया हुआ है ना। और वहाँ पर ना कुछ बन चुके हैं लेकिन अभी फुल फाइनल लुक इनका थोड़ी देर तक हम देखेंगे। माशाल्लाह तमन्ना ने बड़े ही जबरदस्त यहाँ पर डोनट्स बना लिए हैं, वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। मुझे यकीन नहीं था कि ये बना लेगी, बहुत अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह। आखिरकार तमन्ना ने जगह छोड़ी यहाँ पे तो मुझे मौका मिला अभी। तो सबसे पहले मैं आज कुछ इस तरह से बना रही हूँ गोभी की रेसिपी। गोभी को ना हम कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया पाउडर तकरीबन 2 चम्मच, लेकिन 2 चम्मच मैंने पूरे नहीं लिए, आपने देखे कि मैंने कैसे लिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, आप जितनी गोभी की सब्जी बना रहे हो। नमक के बाद यहाँ पर है मेरे पास हल्दी। हल्दी के बाद यहाँ पर है मेरे पास जीरा पाउडर। यहाँ पर मैंने ले लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। और यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने पहले डाला है, 1 और चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का तेल तकरीबन कोई 2 से 3 चम्मच। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं अभी, लेकिन ये अभी थोड़ा थोड़ा मुझे थिक लग रहा है। और थिक जो है, जाहिर है ये हमारे पास गोभी के फूल हैं तो इनके ऊपर नहीं लगेगा। इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा जो है ना ये हमारा लिक्विड की तरह बन जाए। अभी थोड़े थोड़े करके ना मैं इसमें ये गोभी के फूल डाल रही हूँ और इनको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो है ना हमने फ्राई करना है। और आज मैं बना रही हूँ गोभी फ्राई मसाला। थोड़े थोड़े करके ना मिक्स करती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारे गोभी के फूल डाल देती हूँ ना तो सारे हमारे अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं होंगे और ये मसाला भी उनके ऊपर नहीं चिपकेगा ना लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से ना सारे गोभी के फूलों पर लग चुका है। अभी हम इसे 10 से 15 या 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करना शुरू। गोभी को मैरिनेट करने के बाद ना हानिया का काम हो रहा है, क्योंकि हानिया कल से मुझे कह रही है कि मुझे कस्टर्ड खाना है। तो यहाँ पर बस अभी हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है तकरीबन 4-5 मिनट तक ना, बॉयल आने तक थोड़ा अच्छा सा पक जाए फिर इसमें मैं कस्टर्ड डालूंगी और हानिया की फरमाइश पूरी हो जाएगी। यहाँ पर ले लिया मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था, ये जो हमने 14 अगस्त पे बनाया था ना तो उससे थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा बस यही बना के दे देती हूँ हानिया को। घी मैंने यहाँ पे डाला है, घी गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ यहाँ पे 1 चम्मच जीरा। तकरीबन कुछ 4-5 मिनट ना मैंने गोभी को फ्राई कर दिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ।
पानी मैंने इसलिए डाला है कि पानी डाल के तो इसके ऊपर तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी और ताकि हमारा जो मसाला है वो भी ना जले। पानी मैंने डाल दिया है और अभी हम इसे ढक देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद और पानी ड्राई होने के बाद देखिए हमारी गोभी का कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए बड़ी मजे की लग रही है, लेकिन क्या है कि अभी ये गली नहीं है। कहा था 10 मिनट तक गल जाएगी, लेकिन गली नहीं है, थोड़ी सी अभी कच्ची है, ज्यादा कच्ची नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी घनाई से और जरूरत है पकाने की। तो फाइनली यहाँ पर अभी हमारी गोभी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह। अच्छा मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, मैंने क्या किया कि बिल्कुल इसकी हल्की आंच करके तो ढक्कन देके ना मैंने छोड़ दिया था तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए। अब ये जो है ना ये अच्छे से ये देखें गल भी गई है और बहुत ही मज़े की बन गई, इतनी मज़े की खुशबू भी इसकी आ रही है। और फाइनली लास्ट में ना मैंने इसमें डालनी है हरी मिर्ची और हरा धनिया, तो उसके बाद ये हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अभी हमारा दस्तरखान जो है ना वो लग चुका है, सारे यहाँ पर आ गए हैं। फाइनली यहाँ पर मोना भी माशाल्लाह आ गई अपनी नींद पूरी करके, हमारी महारानी। और मलाक ने तंग किया हुआ है, सारी मुस्तफा की जो चीजें है ना वो गिरा रही है और बार बार मुस्तफा पड़ा। तो आपकी बहन है ना छोटी, आपसे बहुत प्यार है, उसे पता है कि मेरी भैया की चीजें मुझे कोई नहीं मना करेगा, इसलिए वो आ रही है। ये देखिए इसके अंदर 30 ये तो सारे घूमोगी। अच्छा कोई बात नहीं, रख दो अब रख दो। जा कैसे रही है वो देखो, उन तक पहुंच कैसे रही है। देख मैं सीढ़ियां लाई हूं, मुझे एक दे दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहना आप। हाँ हानिया मैं स्टिक सीढ़ियां लाई हूँ, ये एबीसीडी गलत सुनाती है, कहती है ए के बाद आता है दस्तरखान पे आ जाओ। दस्तरखान पे आओ जल्दी से, आ जाओ दस्तरखान पे आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मुसा आपने हैंड वॉश किए, जाओ हैंड वॉश करके। हानिया आप जाओ हैंड वॉश करके। तो मम्मा बैठेगी अपनी मलाकों के साथ, मेरी छोटी सी जान के साथ बैठेगी मम्मा। मम्मा की जरूरत नहीं, आधी से द लास्ट ऑफ उसकी जरूरत है। बताओ यार क्या बनाए खाने, बनाए खाने में गुलाम असगर हमने आपके लिए देखो डोनट्स बनाए हैं, सैलन भी बनाए हैं, कस्टर्ड भी। मेरे पापा का नाम मुझे बोल रही है। हाँ वो आपको बता रही है ना, क्योंकि आपके पापा हमेशा आके पूछते हैं ना कि क्या बनाए। तमन्ना के यहाँ पे डोनट्स बनके आ गए हैं, थोड़ा बहुत इसने उनके ऊपर डेकोरेशन किए। अच्छा ये डाला अभी मैंने पापा से मंगवाए थे, मैंने उनको मैसेज किया था ना आपको व्हाट्सएप पे, लेके आए थे। सही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। उनपे भी लगाए हैं, यहाँ से एक मैंने खाया था, एक पड़ा था, खानिया ने उठा के खा लिया। और यहाँ पर है जी कस्टर्ड जो कि खानिया ने बनवाया है, और ये रही मेरी सब्जी जो मैंने आज बनाई है। तो बस अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बुलाया पापा को, मैं सुकून से खाना नहीं खा सकता, उधर पीछे देखें एक दफा, ये बार बार इसे सुकून नहीं आ रहा कि अब ये मेरी चीजों को छेड़ रही। अच्छा मुझे ये बताओ आपने पापा को बुलाया क्या, पापा को बुलाया खाने पे? नहीं नहीं है। अच्छा आ जाओ फिर। आपको पता है मैं मलाई का चम्मच खाएगी, मैं यहीं पे बैठूं। सबसे पहले मैं तो ले रही हूँ यहाँ से सब्जी, क्योंकि सब्जी हमारी बनी है बहुत ही ज्यादा चटपटी और मजे की बनी है। लोमोना प्लेट दो आप, पहले कस्टर्ड खाऊंगा। नहीं पहले आप खाना खाओ, उसके बाद मीठा सबसे लास्ट में खाते हैं। हानिया को भी पता है कि मीठा लास्ट में खाते हैं, एक मिनट। लेकिन वो अलग बात है कि हानिया को डोनट्स नहीं मिलने वाले, और आपने कस्टर्ड भी नहीं खाया। कस्टर्ड तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मीठा स्वाद। अच्छा कस्टर्ड जो है वो हानिया के आज, और डोनट्स जो है वो तमन्ना के हैं, इनके और आपस में बनती नहीं है। क्या टेस्ट है डोनट्स के ऊपर, क्रीम चीज चॉकलेट, क्या टेस्ट है। बस क्या है मेरे में तो ग्रीन कलर, इसमें तो चीनी नहीं है, चॉकलेट। अच्छा बस अब खाना खाओ। अच्छा अब चुप करके ना बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं सब। क्या है उसके बाद जो बहस आपने करनी है वो आप बहस करो। मुझको कब सुकून नहीं आ रहा कि मेरी चीज छोटी बच्ची। अच्छा ठीक है अब नहीं गिराएगी। मला कैसे करो, डिश निकाल के खा जाओ बस, चलना सीख है ना। अच्छी बात है, इसे पता चले ना ये कैसे आपको तंग करता है, सारी उठा के ना आप नीचे गिरा दो। वैसे भी मलाक को चलना अब आ गया, ठीक है अब उसको मलाक को अब हल्के में नहीं लेना आपने, मैं आपको कह रही हूँ। मम्मी बैग पे मैं इसे बिठाती हूँ, थोड़ा थोड़ा चल के आगे आ जाती है। हमारी मलाक को जो है ना वो एक्टिव हो गई है, अब पूछने वाली आपसे, जैसे आपके बाल खींचती है ना। ये पकड़ो मोना रोटी, मोना और मैं खाना। हाँ मोना और आप ले लो। चलो चलो हानिया आप और मैं।
ठीक है ये पकड़ो। उस्मान पता नहीं कौन सा, उसमें रोटी आधी आधी करके। हानिया मेरा पता होगा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है अच्छी चीजों को देख के उनसे इंस्पायर होना चाहिए। पता है मेरा पता है क्या दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं हानिया को उस्मान ही थप्पड़ मारूं। और ये मैं उस्मान ही वो तीर मारूं, बहुत ही ज्यादा मशहूर है। चलो बिस्मिल्लाह करो, खाना खाओ। मेरी तीर बन गई। ये दुनिया फानी है और एक ना एक दिन हम सब ने इस फानी दुनिया से जाना है। मुझे नहीं पता था तकरीबन को ये 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन मुझे आज ही पता चला है इस बारे में। बेशक हम सब के बीच में लाख इख्तलाफात ही सही, लेकिन हम सब आ जाके हम सब आखिर हैं तो सारे इंसान, और इंसानियत के नाते हमें दुख होता है। इंसानियत के नाते हमें पता है कि इस चीज से आगे कुछ नहीं है। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो बस सब कुछ वो यहीं पर खत्म हो जाता है। दुनिया के झगड़े, दुनिया की बातें, सब कुछ वो छोड़ के यहीं पर चला जाता है। आगे से एक नई शुरुआत होती है। और ये जो इख्तलाफ की बात मैं कर रही हूँ ना, ये कोई नई बात नहीं है कि ये इख्तलाफात हमी से शुरू है। नहीं, ये शुरू से ना, जब ये दुनिया आबाद हुई थी तब से ये इख्तलाफात चल रहे हैं और ये रहती दुनिया तक ये इख्तलाफात चलेंगे। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर बात करने का सिर्फ ये है कि आखिर हैं तो हम इंसान, हमें दुख होता है एक दूसरे का कि फलां इस दुनिया से चला गया, फलां इस दुनिया से चला गया। तो जब मुझे पता चला कि हेटर सपोर्टर में किसी के फादर इन लॉ की डेथ हुई है, तो सच में मुझे दिल से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब। तो इसी तरह अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बस इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।